नमस्कार, 23 की महाभारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। रुक करेंगे सियासी खबरों की ओर। सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिन्होंने हाल ही में बीती 1 तारीख को शहडोल का दौरा किया था। उनका यह दौरा आदिवासी वोट बैंक को साधने के लिहाज से भी काफी अहम माना गया, लेकिन अब कांग्रेस भी आदिवासियों को साधने के लिए अपना प्लान तैयार कर रही है। जैसे कि पीएम ने शहडोल में जनसभा की, वैसे ही कांग्रेस से राहुल गांधी अगस्त के पहले सप्ताह में विंध्य इलाके से अपने मध्यप्रदेश दौरे की शुरुआत करने वाले हैं। जाहिर है कि इसका मकसद आदिवासियों को अपने साथ लेकर चलने का है, लेकिन कांग्रेस का अपने नेताओं के लिए अलग अलग प्लान भी अब धीरे धीरे नजर आ रहा है, जिसके तहत प्रियंका गांधी बड़े शहरों पर फोकस करने वाली हैं, तो राहुल गांधी की अगर बात की जाए तो वो आदिवासी इलाकों में ही रहेंगे। कांग्रेस कह रही है कि आने वाले वक्त में हमारे नेता लगातार प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों का दौरा करेंगे, जनता को सच्चाई बताएंगे, और बीजेपी की तरफ से यह कहा जा रहा है कि कोई भी क्यों ना आ जाए, बीजेपी को फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि कांग्रेस में खुद ही अपने नेताओं के स्वागत को लेकर जूतम पैजार हो रही है। पहले बहन को भेजा ये टेस्ट करने के लिए कि मैं जाऊं कि नहीं, क्योंकि पिछली बार मैं झूठे वादे करके आया था, राहुल गांधी ये सोचते रहे और उसके बाद विदेश तफरी करने गए और अब फिर मध्य प्रदेश आ रहे हैं। लेकिन उसके पहले उनके स्वागत की तैयारियां ग्वालियर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अच्छी तरह आपसी जूतम पैजार करके कर दी है। मेरा उनसे आग्रह है कि मध्य प्रदेश की गरिमा का तो ख्याल रखो भाई। मध्य प्रदेश में मेहमान आ रहे हैं, राहुल भाई, प्रियंका जी आई, उनके सामने तो कम से कम हम कुछ परिचय दो, अराजकता मत करो, आपसी जूतम पैजार, सर फुटव्वल, लात घूसे, ये जब वो आए तब बंद कर दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। कांग्रेस अपने चरित्र का के अनुसार ही आचरण कर सकती है, लेकिन फिर भी हमारा काम समझाने का है। देखिए, सबसे पहले हम सब ने देखा कि आदरणीय प्रियंका जी आई, जौलपुर में एक बड़ी रैली को संबोधित किया और उसके बाद जो है भाजपा में खलबली मच गई, भगदड़ मच गई एकदम। तो उसको देखते हुए आप देखें भाजपा के नरेंद्र मोदी जी ने भी ताबड़तोड़ रैलियाँ की, और चूंकि विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं तो कांग्रेस का हर कार्यकर्ता नेता चाहता है कि अधिक से अधिक योगदान दे पाएं। तो इसी तारतम्य में आप देखें हमारे कई केंद्रीय नेता, खड़गे साहब, राहुल जी, प्रियंका जी आने वाले समय में दौरे करेंगे, उसमें विंध्य भी हो सकता है, उसमें आप देखेंगे ग्वालियर में भी दौरा प्रस्तावित है, इंदौर क्षेत्र में भी जाएंगे, सब इसलिए कि हमारे नेता पार्टी को मजबूती देना चाहते हैं। सही, शैलेंद्र भदौरिया से हम ज्यादा चर्चा करेंगे, सीधे उनके ओर करते हैं। शैलेंद्र, चुनावी साल मध्य प्रदेश में, इसलिए केंद्रीय नेताओं का दौरा आम है दोनों ही पार्टियों की तरफ से, लेकिन जरूरी यह भी कि जमीनी स्तर पर दोनों ही पार्टियों की स्थिति कैसी है। कांग्रेस की तस्वीरें जिनको लेकर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, अभी ही गुटबाजी की जानकारी सामने आ गई है, दूसरी तरफ बीजेपी लगातार निशाना साधती हुई इसी मुद्दे को लेकर। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता जा रहा है वैसे वैसे अब केंद्रीय नेताओं के दौरे भी लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन खास बात यह है कि जिन इलाकों में जो बड़े नेताओं के दौरे हो रहे हैं, एक के बाद एक विरोधी दलों के भी उसी इलाके में दौरे हो रहे हैं। जिस तरीके से देखिए, प्रियंका गांधी ने अगर जबलपुर में रैली की तो उसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी का भी जो दौरा है उस इलाके में हुआ, लेकिन उसके बाद अब जिस तरीके से जो नई रणनीति बन रही, जिसको लेकर 2 दिन यहां मंथन हुआ, उसमें यह तय हुआ कि चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हों, राहुल गांधी हों, या इसके अलावा जो और जो बड़े नेता हैं वो मध्य प्रदेश में आखिर किन किन इलाकों में दौरे करें, तो उसके लिए खासकर वो इलाके चुने गए हैं जहां बीजेपी के तमाम आलाकमान के नेता, चाहे जेपी नड्डा की बात हो, अमित शाह की बात हो, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात हो, ये लोग जिन जिन इलाकों में होकर गए हैं उन इलाकों पर बहुत ज्यादा फोकस जो है कांग्रेस भी कर रही है। क्योंकि अगर बिंद के लिहाज से अगर देखें तो बिंद जो है वो बीजेपी का मजबूत गढ़ है, लेकिन जिस तरीके से जो रिपोर्ट या कुछ सर्वे रिपोर्ट ऐसी थी कि बिंद में थोड़ी सी बीजेपी कमजोर हो रही है, और यही कारण है कि बिंद पर फोकस जो है बीजेपी ने बढ़ा दिया। तो अब जिस तरीके से बीजेपी ने फोकस बढ़ाया है, लेकिन कांग्रेस भी उसी गढ़ फोकस जमाए, क्योंकि एक तो जो बीजेपी का मजबूत किला है उसको भेदने की तैयारी, दूसरा आसपास के जो आदिवासी इलाके हैं, चाहे शहडोल की बात करूं, उमरिया की बात हो, या दूसरे जो अन्य जिले हैं, जो आदिवासी बाहुल इलाका है, उन इलाकों में पैठ बनाने का प्रयास जो है वो कांग्रेस इन दौरों के माध्यम से कर रही है। हालांकि अकेले बिंद की नहीं, बल्कि अगर दूसरे इलाकों की बात करूं तो वहां भी दौरे प्रस्तावित है, क्योंकि बड़े जो शहर हैं ग्वालियर, भोपाल, जबलपुर, इंदौर, इन शहरों में की जिम्मेदारी जो है वो ये कहें कि शहरी इलाकों की जिम्मेदारी प्रियंका गांधी को दी गई, वो इन इलाकों का लगातार दौरा कर रही है, और ग्रामीण इलाके हैं, चाहे वह दलित वाले इलाके हो, वहां जो राहुल गांधी और उसके अलावा अन्य जो नेता हैं वो वहां पर फोकस करेंगे। तो अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है, दोनों ही राजनीतिक दलों के जो आला कमान के नेता हैं उनके दौरे मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल, और देखने वाली बात शैलेंद्र ये भी अब कितना असर डालता है,
इनका मध्य प्रदेश की धरती पर पहुंचना। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए। एक बार फिर से बात, प्रधानमंत्री की छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज रायपुर पहुंचने वाले हैं। इस दौरान बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं से पीएम मोदी के दौरे को लेकर चर्चा करने वाले अमित शाह आज शाम 6:50 पर लगभग माना जा रहा है कि रायपुर पहुंच जाएंगे गृहमंत्री। यहां से सीधे बीजेपी दफ्तर कुशाभाऊ ठाकरे परिसर पहुंचेंगे। रात 8 से 10 के बीच में पार्टी नेताओं की बैठक लेने वाले हैं। रात्रि विश्राम यहीं पर करेंगे और उसके बाद गुरुवार सुबह, कल सुबह यानी कि 10:30 दिल्ली के लिए वापस रवाना हो जाएंगे। तो केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर भी तैयारियां लगातार संगठन स्तर पर की जा रही हैं। आज ही करीब 7 केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह रायपुर पहुंचने वाले हैं। पार्टी नेताओं से तो बैठक कर जायजा भी लिया जाएगा, चुनावी रणनीति को लेकर तो चर्चा होगी ही, साथ ही साथ प्रधानमंत्री भी आने वाले हैं 7 को छत्तीसगढ़ में, रायपुर में खासतौर पर उनके दौरे को लेकर किस तरह से तैयारियां की गई हैं ये जायजा लेने के लिए भी पहुंच रहे हैं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह। हो सकता है कि पार्टी के नेताओं को तमाम बड़े निर्देश भी उनकी तरफ से जारी हों कि किस तरह से पीएम का स्वागत होना है, कैसे इस कार्यक्रम को इस दिशा में आयोजित किया जा सके कि पार्टी के लिए लाभान्वित हो। सहयोगी युगल तिवारी की ओर हम रुक कर लेते हैं, रायपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री के दौरे की तैयारियां युगल, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि अमित शाह भी अब से कुछ ही देर बाद पहुंचने वाले हैं। क्या कुछ हलचल देख पा रहे हैं फिलहाल? देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगभग 7 रायपुर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे, उसके बाद सीधा बीजेपी कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर वहां के लिए रवाना होंगे। और सबसे अहम इसलिए है बीजेपी की, क्योंकि 8 से 10 तक लगातार जो संगठन के पदाधिकारी हैं, भाजपा के पदाधिकारी हैं, उनसे अमित शाह चर्चा करेंगे, 1-to-1 करेंगे, और 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर के एक खाका तैयार किया जाएगा। बीजेपी के लिए ये 3 महत्वपूर्ण है, काफी खास है, क्योंकि इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आएंगे। और आज जो अमित शाह हैं बीजेपी कार्यालय में एक रणनीति बनाएंगे कि किस तरह से कांग्रेस को पटकनी दी जाए कि जो सत्ता में 2023 के विधानसभा के जब चुनाव होंगे तो बीजेपी है वो सत्ता में वापस लौटे, तो पूरी रणनीति है वो यहां पर आज जो है तय की जाएगी। जी निश्चित ही, चलिए देखना होगा किस तरह की हलचल बीजेपी में सामने आती है। बने रहेगा युगल हमारे साथ, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे इस खबर को लेकर और अन्य खबरों पर भी फोकस रहेगा। छत्तीसगढ़ की चूंकि हम बात कर रहे हैं तो विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां किस तरह से तेज हैं ये तो आप देख ही रहे हैं। प्रदेश की 2 प्रमुख पार्टियों के नेता लगातार प्रदेश का दौरा भी कर रहे हैं। 7 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायपुर आने वाले हैं और पीएम के दौरे को लेकर बीजेपी पूरी तरह से तैयारियों में जुटी हुई है। पूरा शहर बीजेपी के झंडों से पटा पड़ा है, जगह जगह बैनर पोस्टर लगाए गए हैं और केंद्र सरकार के कामकाज और योजनाओं को बताने के लिए रथ यात्रा भी लगातार निकाली जा रही है। ये रथ यात्रा केंद्र सरकार ने कामकाज को बताने के लिए कहीं ना कहीं इसी दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जा रही है और इस क्षेत्र के अलग अलग हिस्सों में भी पहुंच रही है। तो 7 को पहुंचेंगे प्रधानमंत्री, लेकिन उससे पहले रायपुर किस तरह से सजा हुआ है ये भी तस्वीरों के जरिए आप देखिए। सही कि युगल हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। युगल, हम बात ही कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की और उसके इतर ये तस्वीरें जो कि बताती हैं कि बीजेपी चुनावी मोड में आ चुकी है और प्रधानमंत्री के जरिए कहीं ना कहीं ये कोशिश की जनता के बीच पहुंच सके, अपनी उपलब्धियां बता सके। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर के काफी उत्साह है बीजेपी में। एक तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे एयरपोर्ट की कि यहाँ पर पूरा जो शहर है, पूरा राजधानी रायपुर है, बीजेपी के बैनर पोस्टर से पटा हुआ है और उनके आगमन की भव्य तैयारियां हैं वो की जा रही हैं, स्वागत की तैयारियां हैं अब वो की जा रही है। हालांकि उनका अपना प्रोटोकॉल है और उस कार्यकाल के तहत चुनिंदा लोग ही प्रधानमंत्री तक पहुंच पाएंगे, लेकिन कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है, बीजेपी में भारी उत्साह है वो देखा जा रहा है। और जिस तरह से आप देख सकते हैं पूरी तस्वीर है ये एयरपोर्ट की बता रही है और इसके साथ ही शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आएंगे एयरपोर्ट से सीधा हेलीकॉप्टर के लिए सभा स्थल से रवाना होंगे और ये कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन की तैयारी की जा रही है। घर घर चावल लेकर के कार्ड भी बांटा जा रहा है, उन्हें निमंत्रण दिया जा रहा है आम वोटरों को, आम कार्यकर्ताओं को कि वो सभा स्थल पर पहुंचे। व्यापक तैयारी है, 2023 विधानसभा चुनाव ये तय करेगा कि किस तरह से बीजेपी की यहाँ सभा है, सभा के बाद कितना प्रतिशत मिलता है बीजेपी को, ये तो आने वाले वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी खासा उत्साह बीजेपी में देखा जा रहा है और उनके आगमन से पहले जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी आएंगे, जायजा लेंगे, तो एक तरह से कि
किया जा सकता है। पूरे रायपुर को छावनी में इसलिए तकबील किया गया है कि यहाँ पर किसी तरह की सुरक्षा पे कोई चूक ना हो। 2000 से अधिक जवान हैं वहाँ पर तैनात किए जाएंगे। हेलीपैड में लगभग 200 जवानों की तैनाती की गई है। SPG की टीम है वो यहाँ पहुँच चुकी है। सुरक्षा पूरी जो कमान है उसको अपने हाथ में सुरक्षा एजेंसियों ने ले लिया है। तो ये कहा जा सकता है कि BJP के लिए सभा आम है, खासकर सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी बड़ी ये है कि यहाँ पर व्यापक तैयारियां हैं वो की जा रही है। चप्पे चप्पे पर पुलिस है वो नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, चलिए कुल मिलाकर फुल ऑन चुनावी मोड में BJP नजर आती हुई। बहुत शुक्रिया परिवल इस पूरी जानकारी को साझा करने के लिए। इधर कांग्रेस ने आगामी चुनावी को लेकर लीडरशिप डेवलपमेंट मिशन कार्यशाला का भी आयोजन किया है। इस कार्यक्रम में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनाव जीतने का फॉर्मूला बताया है। कार्यशाला में बस्तर सांसद दीपक बैज मौजूद रहे और कांग्रेस की कार्यशाला के बाद न्यूज 18 संवाददाता से सांसद ने खास बातचीत की है। आगामी चुनाव पर कांग्रेस की क्या रणनीति है उस पर बातचीत की गई है, देखिए। कांग्रेस मुख्यालय में लीडरशिप डेवलपमेंट मिशन को लेकर एक कार्यशाला चल रही है और इसमें छत्तीसगढ़ के सांसद दीपक बैज और दूसरे सभी उनके सहयोगी यहाँ शामिल हुए हैं। सर, मीटिंग चली है, लीडरशिप डेवलपमेंट मिशन है, आपके यहाँ चुनाव भी है, तो चुनाव जीतने का गुरु मंत्र भी लीडरशिप डेवलपमेंट में सिखाया गया? आज हम लोग का लीडरशिप डेवलपमेंट का AICC में बैठक हुआ। लगभग देश भर से 4-5 स्टेट के हमारे सभी टीम लीडर्स आए थे और संभवतः चुनावी वर्ष है और जस्ट सामने चुनाव है, 5 राज्यों का चुनाव होना है, तो संभवतः पूरी चुनाव को लेकर सब चर्चा हुई है। इस बार और इस वर्कशॉप में बहुत सारे ऐसे जो निर्णय भी हुए हैं जो आगामी हम लोगों को 2-3 महीने में करना है, वो टारगेट दिया गया, उसको हम लोग पूरा करेंगे। गुरु मंत्र क्या है, जीतेंगे कैसे, जनता के बीच में किन मुद्दों को लेके जाएंगे? देखिए, जनता छत्तीसगढ़ की बात करें तो हमारे पास जनता के बीच में जाने के लिए बहुत से मुद्दे हैं। हम लोगों ने, हमारी सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में बेहतर काम किए हैं, जो कि हम जनता के बीच में जाने के लिए हम लोग को कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। आसानी जनता के बीच में जाएंगे और उन मुद्दों को रखेंगे जो हम इस 4.5 साल में जो काम किए, जनता के लिए काम किए, वहाँ के लोगों के लिए काम किए, छत्तीसगढ़ की जनता के लिए काम किए, तो निश्चित रूप से हमें कोई दिक्कत नहीं है। और हम लोग ये है कि मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और 2023 में फिर हम विधानसभा हम जीत के आएंगे। ये बात भी रहेगी आपकी चुनावी मुद्दे में, आप ये भी जनता के बीच में रखेंगे कि केंद्र सरकार ने भेदभाव किया? निश्चित रूप से। देखिए, छत्तीसगढ़ की एक एक जनता जानती है, एक युवा जानते हैं, एक माता बहन जानते हैं, एक किसान जानते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ के साथ, हमारी सरकार साथ कितने बदले की भावना से काम किए, हमारी कितनी योजनाओं को, परियोजनाओं को लटका के इन्होंने रखा है, कितनी पैसा को इन्होंने रोक के रखा है। तो आज चुनाव है तो आज मंत्री से लेके प्रधानमंत्री से लेके गृह मंत्री सब आ रहे हैं, ये छत्तीसगढ़ की जनता जानती है, तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन हम लोग कांग्रेस छत्तीसगढ़ में, कांग्रेस मजबूत है और निश्चित रूप से जिस तरह से हिमाचल जीते, हम लोग कर्नाटक जीते, छत्तीसगढ़ में फिर दोबारा हम लोग कांग्रेस की सरकार हम बनाएंगे। कैमरामैन मुनमुन के साथ नई दिल्ली से अशरफ काजमी, News 18। और सावन का महीना चल रहा है, ऐसे में अब कांग्रेस भी महादेव की भक्ति में डूबने वाली है। दरअसल कांग्रेस सावन के महीने में नर्मदा के तट पर कांग्रेस का धर्म प्रकोष्ठ का आयोजन करने का प्लान है। इस आयोजन में बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता शामिल होने वाले हैं। नर्मदा नदी के तट पर अखंड रुद्र यज्ञ का आयोजन कर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया जाना है और इस आयोजन पर BJP ने तंज कसा है, कांग्रेस को चुनावी हिंदू बता डाला है। हमारा धर्म और त्यौहार प्रकोष्ठ है मध्य प्रदेश का, कांग्रेस का, जिसकी अध्यक्ष साध्वी ऋचा गोस्वामी जी हैं। वो जगह जगह कथाएं भी करती हैं, जगह जगह उनके प्रवचन होते हैं और अभी उन्होंने रुद्राभिषेक हर जिले में होगा, क्योंकि सावन का ये पवित्र महीना जिसमें भगवान शिव से जो आराधना करो वो फलीभूत होती है। देखिए, कांग्रेसी चुनावी हिंदू हैं, जब जब चुनाव आते हैं इनको हिंदुत्व की याद आती है, क्योंकि मालूम है कि उसके बिना इनकी नैया पार नहीं होनी। मुझे कोई आपत्ति नहीं है कांग्रेस पूजा करे, पाठ करे, पर कम से कम नतमस्तक होके इतिहास में किए गए उन पापों के लिए तो माफी मांगे। सबसे पहले 91 में कार सेवकों पे गोली चलवाने वाली सरकार को बचाने के लिए, उसके बाद भगवान श्री राम को काल्पनिक बताने वाली UPA सरकार के लिए, और उसके बाद अपने नेता दिग्विजय सिंह और राहुल गांधी के लिए जिन्होंने हिंदू को आतंकवादी बताया था। जब तक ये 3 ऐतिहासिक पाप कांग्रेस ने किए उसके लिए माफी नहीं मांगेगी, ये हिंदू समाज कांग्रेस को माफ नहीं करेगा।
और अब बात करेंगे ग्वालियर की, जहां प्रियंका गांधी के दौरे से पहले कांग्रेस की गुटबाजी खुलकर सामने आ गई है। पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह के स्वागत को लेकर दो गुटों में आपसी मारपीट हुई, धक्का मुक्की हुई, विवाद की वजह वर्चस्व की लड़ाई बताई गई। वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में इससे विवाद चलता रहा। पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने बीच बचाव करने की कोशिश की। सिटी सेंटर स्थित सेंट्रल पार्क होटल में घटना हुई है। ग्वालियर पहुंचे पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह के स्वागत के लिए कांग्रेस के दो गुट पहुंचे थे। पूर्व मंत्री लाखन सिंह के भतीजे संजय सिंह की कार के शीशे भी तोड़ दिए गए। पूर्व मंत्री के भतीजे संजय सिंह और माटू यादव के गुटों के बीच विवाद हुआ। आप देख रहे हैं तस्वीरें। अक्सर बीजेपी की तरफ से भी आरोप लगाया जाता है कांग्रेस पर कि गुटबाजी कई बार खुलकर सामने आ जाती है, और उसी तरह के प्रत्यक्ष करते हुए ये तस्वीरें इस तरह के दावों को, किस तरह से मारपीट हुई है, लाठी डंडे लेकर कार में भी तोड़फोड़ की गई है। पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह के स्वागत के लिए दो गुट पहुंच गए थे और उसके बाद आपसी मतभेद इतना बढ़ा कि मारपीट तक बात पहुंची। खुद जयवर्धन सिंह भी मामला शांत नहीं करवा पाए। उसके बाद वरिष्ठ नेता यहां पर पहुंचे, जैसे तैसे कर समझाइश दी गई, उसके बाद मामला शांत हुआ। लेकिन अक्सर इस तरह की तस्वीरें अलग अलग कांग्रेसी कार्यक्रमों में आपको देखने को मिल जाएंगी, जब कार्यकर्ता आपस में भिड़ जाते हैं और दूसरी तरफ इनके अगेंस्ट वो पार्टी जो कि संगठन स्तर पर काफी मजबूत है, ये दावा बीजेपी लगातार करती आती है। छोटी छोटी बातें हैं वो आपस में सुलझ भी जाती हैं, ऐसी कोई उसमें बड़ी बात नहीं। छोटी छोटी बातें हैं वो आपस में सुलझ भी जाती हैं, ऐसी कोई उसमें बड़ी बात नहीं। और इसी के साथ 23 की महाभारत में तय। नमस्कार।